मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ? क्यों बदली गई शैतान फिल्म की एंडिंग? क्यों किया ऐसा अजय देवगन ने, जो थी गुजराती फिल्म वश की रिमेक? शैतान के मुकाबले वश फिल्म का पोस्टर ही बहुत खतरनाक था, जिसमें लड़की के दोनों कानों में कैंची घुसी हुई देखी गई। इस गुजराती फिल्म के पोस्टर ने सारे लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा था और इसी फिल्म का रिमेक था। लेकिन गुजराती फिल्म कब आई और कब चली गई किसी को पता नहीं चला। पता तब चला जब शैतान फिल्म रिलीज होने वाली थी, तब बताया गया ये तो गुजराती फिल्म वश का रिमेक है। फिर क्या लोग इंटरनेट पर सर्च करने लगे मूवी को, वश को। लेकिन क्या आपको मिली वश मूवी? मुझे तो कहीं भी एक अच्छे प्रिंट के साथ ये फिल्म दिखाई नहीं दी गई। हुआ ये था कि वश का ट्रेलर और इसका कंसेप्ट अजय देवगन को काफी पसंद आया और उन्होंने इसे मेकर से कॉन्टेक्ट किया, क्योंकि वह इसका हिंदी रिमेक बनाना चाहते थे। उस समय अजय ने काफी महंगे दामों में इस फिल्म के राइट्स खरीदे थे और इसके बाद फिल्म वश को गुजरात में बहुत कम सिनेमा हॉल में रिलीज किया गया। फिल्म उस समय गुजरात के कुछ चुनिंदा लोगों ने ही देखी थी और ये फिल्म गुजरात के बाहर नहीं जा पाई। अजय देवगन ने वश फिल्म को इंटरनेट से गायब करवा दिया, जैसे कि गंजे के सिर से बाल, ताकि लोग इस फिल्म तक पहुंच ना पाएं। मैंने भी शैतान रिलीज होने से पहले इस फिल्म वश को काफी सर्च किया, पर मुझे कहीं भी यह फिल्म हिंदी में नहीं मिल पाई और मुझे भी शैतान ही देखनी पड़ी, जो एकदम फ्रेश कंटेंट लगा, क्योंकि मुझे वश फिल्म की स्टोरी पता नहीं थी। शायद आपके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। ऐसा नहीं है, अजय देवगन और आर माधवन स्टारर शैतान फिल्म भी बहुत अच्छी थी, लेकिन वश फिल्म से लेकर बहुत सारी चीजें फिल्म में बदली गई हैं। आइए जानते हैं शैतान और वश फिल्म के कुछ चेंजेस के बारे में। वैसे देखा जाए तो शैतान फिल्म की पूरी कहानी वश फिल्म की तरह रखी गई थी। इसके सीन्स भी वैसे ही दिखाए गए थे जैसे कि वश फिल्म में थे। जो फिल्म में बदलाव था वह इसके क्लाइमेक्स में था, जहां शैतान में एकदम हैप्पी एंडिंग देखने को मिली थी, वहीं फिल्म में हमें वश में इसकी सैड एंडिंग देखने को मिली थी। शैतान फिल्म में हमें दिखाया गया था कि कैसे अजय देवगन आर माधवन की आवाज को एक रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लेते हैं, जिसमें आर माधवन की आवाज रिकॉर्ड हो जाती है कि मैं तुम्हें आजाद करता हूं, और क्लाइमेक्स में देखने को मिलता है अजय देवगन ये रिकॉर्डर लेकर आर माधवन के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर वे देखते हैं उनकी बेटी के अलावा और बहुत सारी लड़कियां आर माधवन के पास थी। यहां पर अजय देवगन आर माधवन को मारते हैं और उसकी जीभ काट लेते हैं, ताकि वह किसी भी लड़की को इंस्ट्रक्ट ना कर सके। रिकॉर्डर में भरी आवाज को सारी लड़की को सुनाते हैं, जिसे सुनने के बाद सभी लड़कियां माधवन के वश से आजाद हो जाती हैं। अजय भी अपनी बेटी को लेकर अपने घर आ जाते हैं और इसके बाद हमें एक साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। अजय ने माधवन को एक काल कोठरी में बंदी बनाकर रखा है, जहां माधवन को खाने के लिए बस मरे चूहे देते हैं और कुछ भी नहीं, और हमें देखने को मिलती है एक हैप्पी एंडिंग। अजय देवगन की फैमिली पूरी तरीके से खुश है और उन्हें अभी किसी का डर नहीं है। लेकिन वश फिल्म की एंडिंग ऐसी नहीं थी दोस्तों। फिल्म वश की कहानी वहां तक तो सेम थी, जहां शैतान लड़की को अपने साथ ले जाता है, और इसमें भी लड़की के पिता शैतान का पीछा करते करते शैतान के यहां पहुंच जाते हैं। तो यहां पर भी बहुत सारी लड़कियां नजर आती हैं जो शैतान के वश में हैं, और शैतान के बोलने पर वह काम करती हैं। यहाँ पर लड़के का पिता बोलता है कि वह अपनी बेटी के हाथों से ही मरना चाहता है। शैतान उसकी बेटी को पास बुलाता है और उसे मारने को कहता है, लेकिन जैसे ही उसकी बेटी नजदीक आती है तो पिता उसके दोनों कानों में कैंची घुसा देता है, ताकि वह शैतान की बात ना सुन सके। इसके बाद पिता शैतान से भी लड़ता है और उसकी जीभ निकाल लेता है, ताकि वे लड़कियों को और इंस्ट्रक्ट ना कर सके। हालांकि वे लड़कियां वैसी की वैसी ही रहती हैं, उसी के वश में रहती हैं, लेकिन अब वह बोलकर उन्हें कोई आदेश नहीं दे सकता। फिल्म वश में एक और सीन में बदलाव किया गया था, जब छोटे बच्चे को उसकी बहन छत से फेंक देती है और उसकी माँ उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। तो फिल्म शैतान में ये दोनों सही सलामत हॉस्पिटल तो पहुंच जाते हैं और वे बच्चा बच जाता है, लेकिन वश फिल्म में ऐसा नहीं था। उसमें दिखाया गया था कि दोनों का रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों माँ और बेटा मर जाते हैं। वश फिल्म के क्लाइमेक्स में आगे के 10 साल की कहानी देखने को मिलती है, जिसमें लड़की के पिता ने शैतान को अपने कब्जे में रखा है और यहाँ पर उसके सामने केला खाता है और उसे मरे चूहे खाने को देता है और बोलता है
उन लड़कियों के लिए तुम शैतान हो और तुम्हारे लिए मैं हूँ शैतान। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उसकी लड़की की हालत बहुत खराब है, वे आज भी शैतान के वश में है और उसके आगे के बाल भी झड़ चुके हैं। उसकी पत्नी और बेटा तो पहले ही मर जाते हैं और उसकी लड़की की हालत भी खराब है। वश की ये सैड एंडिंग थी, लेकिन बॉलीवुड में इसे हैप्पी एंडिंग के साथ दिखाया गया शैतान फिल्म में। आपको शैतान फिल्म कैसी लगी दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हो सके तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि और भी कई बेहतरीन वीडियो हम आपके लिए लाते रहें।